फ्रेंड्स, मैं हूं सुकांत सरंगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवल विद सुकांत सरंगी। आज हम आए हैं उग्रतारा मंदिर। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा गांव भूसंडपुर के पास है। ये खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये एक शक्तिपीठ है। बहुत सारे लोग मन्नत मांगने के लिए इस मंदिर में आते हैं। उग्रतारा मंदिर, ये जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, भूसंडपुर गांव में है। ये मंदिर आने के लिए भुवनेश्वर से आपको बालूगांव की तरफ जो NH5 है उसमें जाना पड़ेगा। भुवनेश्वर से 55 किलोमीटर दूर लेफ्ट साइड में जस्ट NH से 2 किलोमीटर अंदर ही ये मंदिर आता है। ये बहुत ही सुंदर जगह है। पिकनिक यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। यह लोकल एरिया का पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर मूवी भी कभी कभार शूटिंग होता है, उड़िया मूवी ज्यादातर। ये जो भूसंडपुर है ये टांगी ब्लॉक में आता है। तो ये जो माँ उग्रतारा है ये टांगी ब्लॉक के मेन देवी है। ये मंदिर बहुत पुराना है। कहा जाता है जो गंग साम्राज्य के ये मेन देवी थी। ये भूसंडपुर से कुछ दूर पर मुलझरगढ़ बोल के एक ठो दुर्ग है। उस दुर्ग की ये मेन देवी थी, लेकिन अभी और वो दुर्ग है ही नहीं। बाद में उस दुर्ग से ये नए मंदिर पे देवी को ट्रांसफर कर दिया गया। ये आसपास का एरिया चिलिका लेक के साइड का है, इसीलिए यहाँ मछुआरों का बहुत जगह बसती है। मछुआरे बहुत सारे रहते हैं, तो ये देवी भी मछुआरों की ही मेन देवी है। आज भी यहाँ पर नॉनवेज मतलब जो मुर्गा है वो प्रसादी के रूप में, मुर्गा मुर्गी प्रसादी के रूप में चढ़ाया जाता है। ये जो मंदिर है ये उड़ीसा के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। देवी जो है उनके चार हाथ है, चारों हाथ में हथियार हैं। देवी का नाम उग्रतारा इसलिए है कि उनका जो फेस है वो बहुत गुस्सेलू है, लेकिन साथ ही वो जो भक्तों हैं उनके लिए करुणामय भी है उनकी आंखों में, इसीलिए उग्रतारा उनका नाम है। एग्जैक्टली इसका हिस्ट्री के बारे में किसी को नहीं मालूम, ये कितना पुराना है क्या है। तो दोस्तों बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, घंटे का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारा हर लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। आप जरूर इस मंदिर को एक बार घूमने के लिए आइए। ये मंदिर बहुत सुंदर है। इनक्रेडिबल ओडिशा, इनक्रेडिबल इंडिया।